Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 11th chapter for class 5th. So class 5th ke liye aaj hum 11th chapter ko read karenge English mein. So the name of our this chapter is A Talk Active Tortoise. A Talk Active Tortoise. Tortoise means kya hota hai? Kachhua. क्या होता है? कछुआ. कछुआ कहाँ रहता है? पानी में. कैसा होता है कछुआ? ये देखो, इसकी जो बॉडी होती है बाहर की, वो बहुत ज्यादा क्या होती है? हार्ड होती है, जिस वजह से इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. अपनी ये पूरी बॉडी इस हार्ड कवर से क्या होती है, उसकी ढकी हुई होती है. ये जब भी कुछ लगता है, इसको कोई आसपास आने वाला लगता है, तो ये इस बॉडी के अंदर चला जाता है, पूरी तरह से इसको ढक लेता है. सो अ टॉक एक्टिव. टॉक एक्टिव मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला. वी ऑल्सो सेड अबाउट टॉक एक्टिव चैटर बॉक्स. ओके, द सिनोनियम ऑफ टॉक एक्टिव इज चैटर बॉक्स. सो अ टॉक एक्टिव टॉर्टोइज, एक बहुत ज्यादा बात करने वाला बातूनी कछुआ. अब उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हियर वी हैव टू क्वेश्चंस, सो लेट देम आंसर. What do you see in these pictures? आप इन pictures में किसको देख रहे हो? कुछ दिख रहा है आपको इस picture में? So first क्या है? एक crane है. क्या है? या crane. C-R-A-N-E. Crane. ये क्या है? एक crane है. और दूसरा ये कौन है? ये एक tortoise है. कौन है? Tortoise. हम एक crane को देख रहे हैं और एक tortoise को देख रहे हैं. सेकेंड, हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है द स्टोरी, एक कहानी अबाउट द क्रेन एंड टॉर्टोइस. एक क्रेन और एक टॉर्टोइस के बारे में आपने स्टोरी सुनी है क्या? नहीं सुनी, तो आज हम आपको सुनाएंगे. क्या सुनाएंगे? एक स्टोरी, एक कहानी. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया कि जो स्टोरी होती है वो हमेशा कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में. कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में. सो एक पुराने समय की एक कहानी है जो हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. और हम क्रेन को हिंदी, टॉर्टोइस को तो हिंदी में हम कछुआ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कछुआ. और क्रेन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सारस. क्या बोल सकते हैं? एक क्या होता है जो पानी में रहने वाले, ये भी पानी में रहता है और ये भी पानी में रहता है. पानी में रहने वाले जानवर, दोनों ही पानी में रहने वाले हैं, तो इसको तो हम सारस बोलते हैं. क्रेन और ये टॉर्टोइस मींस कछुआ. अब इन दोनों की आज हम स्टोरी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड. लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले की बात है. क्या बात है? देयर वर टू क्रेन्स. अब हमने लास्ट वॉज था. क्या था? वॉज. जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते, क्या यूज करते हैं? सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन. जो भी एक होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? पास्ट टेंस में वॉज. क्या यूज करते हैं? वॉज. पर लेकिन जब प्लूरल होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? वर. तो यहाँ क्या है? टू क्रेन्स, दो क्रेन है, तो वर यूज हुआ. क्या यूज हुआ? मोर देन वन. सो वी यूज वर. सो देयर वर टू क्रेन्स. वहां पे क्या थे? टू क्रेन्स थे. नेम्ड, उनका नाम क्या था? संकट एंड विकट. उन टू क्रेन्स का क्या नाम था? संकट एंड विकट. एंड अ टॉर्टोइस, एक कौन था? टॉर्टोइस था. नेम्ड, उसका नाम क्या था? कंबुग्रीव, कंबुगिरवा. क्या नाम था? कंबुगिरवा उनका नाम था. तीन थे, टू क्रेन्स थे और एक टॉर्टोइस था. दे वर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे. दे लिव्ड, वह रहते थे. लिव इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लिव. दे लिव्ड, वे रहते थे. नियर मीन्स पास में. नियर मीन्स पास में. अ पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब. क्या होता है? तालाब. सो वो उसके पास, तालाब के पास में रहते थे. कंबुग्रीवा वॉज अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स मीन्स क्या होता है? टॉक एक्टिव. हमने चैप्टर का जो नेम है ना, टॉक एक्टिव, बहुत ज्यादा बातूनी. चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी.
टॉक एक्टिव, बहुत ज्यादा, वन हु स्पीक वेरी मच, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, दैट कॉल्ड चैटरबॉक्स. वन ईयर, एक साल, देयर वॉज नो रेन, वहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. सो द पॉन्ड, जो पॉन्ड है, स्टार्टेड, शुरू हो गया. सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्ट. स्टार्टेड टू ड्राई, वो क्या होना, ड्राई में सूखना शुरू हो गया. धीरे धीरे उसमें से क्या होने लगा, पॉन्ड में से पानी कम होने लगा. क्यों? क्योंकि बारिश ही नहीं हुई. एक साल, पूरे साल में बारिश ही नहीं होगी तो पॉन्ड में पानी कहाँ से आएगा, और जो पानी होगा वो लेस होने लगेगा, कम होने लगेगा. द क्रेन्स, जो क्रेन्स थे, जो सारस थे, एंड द टॉर्टोइज, और जो टॉर्टोइज था, वर वरिड, उनको क्या होने लगी, चिंता होने लगी, उनको टेंशन होने लगी. एंड डिस्कस्ड, और उन्होंने डिस्कस किया अबाउट इट, और इसके बारे में, डिस्कस मतलब सलाह करना, इसके बारे में बातचीत करना. किस बारे में, कि जो पॉन्ड है वो सूख रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे. सो इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, डिस्कस करना, बात करना शुरू किया. सो सबसे पहले जो क्रेन्स है वो क्या कहती है, वी हैव टू गो अवे. अवे मीन्स दूर, मतलब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए. फ्रॉम हियर, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए. देयर, यहाँ, इज अ बिग लैक, एक बहुत बड़ी लैक, मीन्स क्या होता है, झील. पॉन्ड, पॉन्ड में भी पानी होता है और लैक में भी पानी होता है, पर जो पॉन्ड होता है वो एक स्मॉल होता है, छोटी वाटर बॉडी होती है, स्मॉल छोटी वाटर बॉडी. एंड जो लैक होता है उसके अंदर ज्यादा पानी होता है. सो पॉन्ड और लैक में क्या डिफरेंस होता है, जो पॉन्ड होता है वो छोटा होता है, और जो लैक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें ज्यादा पानी होता है. नियर बाय, नियर बाय मीन्स पास में, क्लोज. हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से, इस तालाब से चले जाना चाहिए. कहाँ चले जाना चाहिए, कि यहाँ एक बड़ा सारा पास में एक लैक है, एक झील है, तो हमें वहां पे चले जाना चाहिए. लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं. क्या बोलता है, लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं. फिर क्या होता है, ये देखो, ये दोनों क्रेन्स, संकट और विकट, ये किससे बातें कर रहे हैं, टॉर्टोइस से. तो तीनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. ये तो तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. तो क्रेन्स बोलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं. कहाँ चलते हैं, लैक पे चलते हैं. फिर टॉर्टोइस क्या कहता है, आर यू लिविंग मी अलोन हियर टू डाई. अलोन मीन्स अकेला, लिविंग मीन्स छोड़ना. तो आर यू लिविंग, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे. मी मीन्स मुझे, अलोन मीन्स अकेला, हियर यहाँ, टू डाई मरने के लिए, क्या तुम मुझे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ दोगे. फिर क्रेन्स क्या कहते हैं, वॉट एल्स कैन वी डू, तो हम क्या करें. वॉट एल्स मीन्स क्या था, अदर, इसके अलावा अदर में हम क्या कर सकते हैं तुम्हें यहाँ छोड़ने के अलावा. जो क्रेन्स होते हैं वो तो उड़ के जा सकते हैं, पर जो टॉर्टोइज है वो उड़ नहीं सकता है. क्रेन्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, दैट्स वाई वो फ्लाई करके वहां से चले जा सकते हैं, बट टॉर्टोइज कैसे जाता. सो वो टॉर्टोइज बोलता है, क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे. तो क्रेन्स बोलती है, तो हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, हमें तुम्हें छोड़ना ही होगा. द पॉन्ड इज ड्राइंग नाउ, जो पॉन्ड है वो अब सूख रहा है. इफ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ रहते हैं, वी विल डाई ऑफ स्टारविजन. स्टारविजन क्या होता है, भूखमरी. स्टारविजन मीन्स क्या होता है, भूखमरी. तो हम इसको क्या कह सकते हैं, द स्टेट, एक ऐसा स्टेट ऑफ विदाउट, जब खाने के लिए कुछ नहीं होता है, विदाउट ईटिंग फूड. और जो क्रेन्स होते हैं और जो टॉर्टोइज होते हैं, उन लोगों का खाना कहाँ से मिलता है, पानी के अंदर से ही मिलता है. जो फिशेज होती है, जो पानी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनको खाते हैं. तो वो क्या कहते हैं, जो पॉन्ड है वो तो सूख रहा है, और अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हम मर जाएंगे. डायमीस मर जाएंगे ऑफ स्टारविजन, खाने की भूख मरी के मारे हम लोग यहाँ से मर जाएंगे. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी मर जाएगा.
टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस क्या कहता है, प्लीज कृपया सेव मी, मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो, टेक मी ऑल्सो विद यू, मुझे तुम्हारे साथ मुझे भी लेकर जाओ। टॉर्टॉइस क्या बोलता है, मुझे भी लेकर जाओ, लेकिन वो कैसे लेके जाए, क्योंकि वो तो उड़ जाते हैं, क्रेन तो उड़ सकते हैं लेकिन टॉर्टॉइस उड़ नहीं सकता है, तो वो कैसे ले जाते हैं, लेकिन टॉर्टॉइस को भी तो, उसको भी तो जाना है ना, वो कहेगा अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। क्रेन्स बोलते हैं बट, लेकिन हाउ मीन्स कैसे, लेकिन कैसे लेके जाए तुमको। फिर टॉर्टोइस क्या बोलता है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास क्या है, एक आइडिया है, क्या आइडिया है, ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, क्या ले लो, एक लॉन्ग मीन्स लंबी सी स्टिक, स्टिक मीन्स क्या होता है, लकड़ी, एक लंबी सी क्या ले लो, स्टिक ले लो, क्या कहता है, एक लंबी सी स्टिक ले लो, फिर क्या करना है उसका, बोथ ऑफ द होल, बोथ ऑफ यू मतलब बोथ मीन्स दोनों, यू तुम यानी तुम दोनों, होल्ड पकड़ लेना, इट, इट मीन्स इसको, किसको, स्टिक को, एट द आइदर एंड, दोनों, आइदर मीन्स दोनों, एंड मीन्स सिरे, मतलब जैसे लाइक एक लॉन्ग स्टिक है तो वो क्या कहता है, जो इसके जो दोनों एंड्स है, ये वाला और ये वाला, इसको तुम दोनों पकड़ लेना, कौन दोनों, दोनों क्रेन्स, ऑफ इट विद योर बीक्स, बीक्स मीन्स क्या होता है, चोंच, तो वो क्या कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या आइडिया है, कि हम एक लॉन्ग सी स्टिक लेंगे, क्या लेंगे, एक लंबी सी लकड़ी लेंगे, फिर तुम दोनों क्या करना, इसको एंड को क्या क्या कर लेना, पकड़ लेना, किससे, अपनी बीक से, अपने चोंच से पकड़ लेना, I will hold the stick. मैं इस stick को पकड़ लूंगा tightly, मतलब बहुत तेज, tightly means बहुत तेज से मैं इसको पकड़ लूंगा, in the middle, middle means बीच में से, वो tortoise क्या कहता है, फिर मैं इसको यहाँ बीच में से मैं इसको पकड़ लूंगा, with my mouth, mouth means मुंह से, तुम दोनों तो यहाँ से चोंच से पकड़ लेना और मैं यहाँ से इसको क्या कर लूंगा, माउथ से पकड़ लूंगा, बहुत टाइट पकड़ लूंगा, एंड वी विल फ्लाई अवे, और हम उड़ जाएंगे, फ्लाई अवे मीन्स उड़ जाना, टू द लैक, कहाँ उड़ जाएंगे, लैक यानी झील के पास चले जाएंगे, तुम दोनों उड़ते उड़ते ले जाना और मैं माउथ में पकड़ लूंगा। फिर क्रेन्स क्या बोलती है, That's a great idea. ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, एक बहुत अच्छा विचार है, बट लेकिन यू आर सो टॉक एक्टिव, तुम तो बहुत ज्यादा बातूनी हो, तुम क्या मुंह बंद रख सकते हो क्या, तुम तो बोलोगे और तुम्हारे से जो स्टिक है वो छूट जाएगी। सो क्रेन्स बोलते हैं आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया, बट लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा क्या हो, बातूनी हो, टॉक एक्टिव हो, कीप योर माउथ शट, तुम्हें क्या रखना होगा, अपना जो माउथ है, अपना जो मुंह है, उसको शट, शट मीन्स क्या होता है, बंद, तो शट का भी हम सिनोनिम क्या बोल सकते हैं, क्लोज, क्या बोल सकते हैं, क्लोज, शट मीन्स भी बंद, क्लोज मीन्स भी बंद, टू वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग, दैट हैव सेम मीनिंग कॉल्ड सिनोनिम, जब दो वर्ड्स का स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन अलग, बट उन दोनों का क्या होता है, मीनिंग जो होता है वो सेम होता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सिनोनियम। तो हमने इस चैप्टर के अंदर दो सिनोनियम्स आए अब तक, कौन कौन से, एक सो टॉक एक्टिव, टॉक एक्टिव का सिनोनियम हमने क्या पढ़ा, चैटर बॉक्स, एंड शट, शट का चैटर बॉक्स क्या होता है, क्लोज, सिनोनियम सॉरी, शट का सिनोनियम क्या होता है, क्लोज, सो हमने दो सिनोनियम्स पढ़े, सो योर माउथ शट, तुम्हें अपना मुंह को क्या रखना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा, शट क्लोज रखना पड़ेगा, विल फ्लाइंग, जब हम उड़ेंगे तब तुम्हें अपना जो माउथ है उसको क्या रखना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा, और यू विल फॉल डाउन, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फॉल डाउन मतलब तुम नीचे गिर जाओगे, अगर तुमने अपना माउथ बंद नहीं किया, अगर तुमने अपना मुंह खोल दिया तो तुम नीचे गिर जाओगे। फिर टॉर्टोइस क्या बोलता है, ओ आई शैल नॉट टू डू सच अ फुलिश थिंग, वो क्या कहता है, मैं ऐसी फुलिश मतलब मूर्खता परी चीजें
नहीं करूंगा, मैं कोई पागल हूँ क्या? बोलता है मैं कोई पागल हूँ क्या जो मैं उड़ते हुए अपना मुंह को खोल लूंगा और बोलने लग जाऊंगा, मैं कोई इतना पागल हूँ? मैं ऐसी फुलिश थिंग्स नहीं करूंगा, मैं ऐसे पागलों वाली हरकतें नहीं करूंगा। फिर क्या होता है, द क्रेन्स, जो क्रेन्स होती है, ब्रॉट, लाती है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। द क्रेन्स ब्रॉट अ लॉन्ग स्टिक, एक लॉन्ग स्टिक लेके आती हैं, एंड हेल्ड, हेल्ड मीन्स पकड़ लेती है इट, इसको विद देयर बीक्स, अपने बीक से, अपनी चोंच से इसको पकड़ लेती है। द टॉर्टॉइस, जो टॉर्टॉइस होता है, हेल्ड इट, पकड़ लेता है इन द मिडल, इसको कहाँ से पकड़ लेता है, मिडल मीन्स बीच में से पकड़ लेता है। जो क्रेन्स होती है वो तो इसको कहाँ से पकड़ लेती है, इसके एंड से, मतलब इसके छोर से पकड़ लेती है, बट जो टॉर्टोइस होता है वो इसको मिडल से यानी बीच में से पकड़ लेता है। दे फ्लू ओवर, फ्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लाई, दे फ्लू ओवर द फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स खेत, वो खेतों के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, ओवर कहाँ यूज होता है, ऊपर, अप मीन्स भी ऊपर और ओवर मीन्स भी ऊपर। सो ओवर कब यूज करते हैं, जब हम क्या होता है, जब कोई सरफेस को टच नहीं करते, दैट कॉल ओवर। और ऑन कब यूज करते हैं, जब हम सरफेस को टच करते हैं, जस्ट लाइक कोई चीज टेबल के ऊपर रखी होती है, कप रखा है, जस्ट लाइक अ कप इज ऑन द टेबल, जब वो कप है वो टेबल की सरफेस को टच कर रहा है तो हम वहां पे ऑन यूज करेंगे, लेकिन जब टच नहीं करते हैं तब हम ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं, ओवर, क्या यूज करते हैं, ओवर। सो वो फील्ड्स को टच नहीं कर रहे लेकिन फील्ड्स के ऊपर से वो उड़ते हुए जा रहे हैं, फील्ड्स एंड अ विलेज, वो कहां से जाते हैं, एक विलेज, एक गांव आता है बीच में, वो पॉन्ड से लेके झील तक जाते हैं, तब तक बीच में क्या आता है, एक गांव आता है, एक विलेज आता है, विलेज मीन्स क्या होता है, गांव आता है। द विलेजर्स, जो गांव वाले होते हैं, लाफ मीन्स हंसते हैं, LAUGH, लाफ, सेकेंड फॉर्म ऑफ लाफ इज लाफ। वॉचिंग, देखते हैं, सच अ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अनजान, बहुत ही मतलब अलग सा जो दृश्य होता है, सीन मीन्स दृश्य, एंड शाउटेड, शाउट मीन्स चिल्लाना, शाउट चिल्लाना, सेकेंड फॉर्म ऑफ शाउट इज शाउटेड। सो जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, विलेजर मीन्स गांव में रहने वाले लोग, सो जो विलेजर्स होते हैं, लाउड मतलब हंसने लगते हैं, वॉचिंग क्यों हंसते हैं, देखते हुए, सच ए स्ट्रेंज सीन, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य, मतलब अनजान सा, जैसा कभी पहले देखा ही नहीं हो, एक स्ट्रेंज सी थिंग देखते हैं और चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं वो विलेजर्स, क्या कहते हैं विलेजर्स, लुक एट दैट, देखो ये, देखो ये विलेजर्स है, ये गांव वाले लोग हैं, ये चिल्ला रहे हैं इनको देख के हुए, लुक एट दैट, देखो इनको, द फुलिश टॉर्टोइस, फुलिश मीन्स मूर्ख, फुलिश मीन्स मूर्ख, इस मूर्ख टॉर्टोइस को देखो, विल सर्टनली फॉल डाउन, विद सर्टनली मीन्स जरूर ही, ये जरूर ही नीचे गिर जाएगा, देखो इस टॉर्टोइस को, ये तो जरूर ही नीचे गिर जाएगा। फिर टॉर्टोइस क्या बोलता है, ओपनिंग इट्स माउथ, अपना मुंह खोल लेता है, क्यों खोलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, टॉक एक्टिव होता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे को ऐसे फुलिश कैसे बोल दिया, मेरे को मूर्ख कैसे बोल दिया, तो वैसे ही वो जो टॉर्टोइस है वो ओपनिंग इट्स माउथ, अपना मुंह खोलता है, यू आर स्टूपिड पीपल, क्या बोलता है, तुम पागल लोग, एंड द टॉर्टोइस फेल डाउन एंड डाइड, और जो टॉर्टोइस है वो नीचे गिर जाता है, एंड डाइड, और मर जाता है, वो क्या बोलता है, मुंह खोल के, यू आर स्टूपिड पीपल, तुम पागल लोग, और ऐसा बोलते हुए वो नीचे गिर जाता है। अब मूर्ख कौन हुआ, टॉर्टोइस तो मूर्ख क्यों हुआ, उसको क्रेन्स ने बोला था कि तुम्हें अपना क्या रखना है, मुंह को बंद रखना है, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और उसने अपना मुंह खोल लिया। So here our chapter is completed. So what we learn in this chapter? We learn that हमें भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही हमें बोलना चाहिए। अगर वो tortoise वहाँ नहीं बोलता तो वो मरने से बच जाता, लेकिन उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने
बोल दिया, इसी तरह से आपको भी गुस्से में नहीं बोलना है। अगर आपने गुस्से में कुछ बोला या ज्यादा बोला तो आप भी क्या हो सकते हो, आपको भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोसरी, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स क्या होता है? वन हु स्पीक्स टू मच, बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसे हम क्या बोल सकते हैं? टॉक एक्टिव, हिंदी में बातूनी। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे हम क्या बोलेंगे? चैटर बॉक्स। क्या बोलेंगे? चैटर बॉक्स या टॉक एक्टिव। देन पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब। स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया, जगह। और फ्रेश वाटर, जिसका जो वाटर होता है वो क्या होता है? एकदम फ्रेश होता है, उसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पोखर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोखर। नेक्स्ट क्या है? स्टार विजन। स्टार विजन मीन्स क्या होता है? सफरिंग और डेथ कॉजेज बाय लैक ऑफ फूड, मतलब खाना नहीं मिलने की वजह से किसी का मर जाना, किसी का मर जाना इज कॉल्ड स्टार विजन। नेक्स्ट, स्ट्रेंज, नॉट कॉमन, अनफैमिलियर, विचित्र, मतलब जो हमेशा नहीं देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है, दैट कॉल्ड स्ट्रेंज। ओके, सो चैटरबॉक्स, बातूनी, पॉन्ड, पोखर, स्टार विजन, भुखमरी, स्ट्रेंज, विचित्र। एक्टिविटी वन ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें चूज करना है करेक्ट अल्टरनेटिव को। सो फर्स्ट क्या है? द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइज वर वरिड अबाउट। वरिड मीन्स चिंतित। वो किस चीज को लेके चिंतित थे? बिग लैक, बहुत बड़ी झील को लेके, स्टिक, लकड़ी को लेके, ड्राइंग पॉन्ड, पॉन्ड के सूखने को लेके, या डी विलेज, गांव को लेके। वो किस चीज को लेके वरिड थे? जो पॉन्ड था वो क्या हो रहा था? सूख रहा था, ड्राई हो रहा था, इस बात को लेके वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? वरिड थे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, ड्राइंग पॉन्ड, वो पॉन्ड के सूखने की वजह से चिंतित थे। सो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। नेक्स्ट, बी, हु स्पोक टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है। कौन बहुत ज्यादा बोलता था? Who spoke too much? कौन बोलता था? Villagers, गांव वाले, cranes, tortoise, all of them. All of them is सभी। तो कौन बहुत ज्यादा बोलता था? Tortoise बहुत ज्यादा बोलता था। So our correct option is option C. So हम ब्रैकेट में लिखेंगे C. आप भी बहुत ज्यादा बोलते हो क्या? नहीं ना। So नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। Okay? B. Say. Whether the following statements are true or false. नीचे देना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। हम पहले उसे रीड करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो सही है या गलत है। सो फर्स्ट, द टॉर्टोइज हेल्प द क्रेन। जो टॉर्टोइज थे उन्होंने क्रेन की हेल्प करी थी? नहीं, क्रेन ने टॉर्टोइज की हेल्प करना चाहिए थी। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो हियर वी राइट फॉल्स, F-E-L-S-E, false. Second, the pond started to dry as there was no rain. जो pond था वो शुरू हो गया था to dry, सूखना। क्यों सूखना शुरू हो गया था? क्योंकि वहां बारिश नहीं हुई थी, इस वजह से। Yes, so this is a true statement. So here we write true, T-R-U-E, true. Next, third, the tortoise held the stick at the one end. जो tortoise ने जो held मतलब पकड़ी थी, stick मतलब लकड़ी को, at the one end, अंत से पकड़ी थी क्या? नहीं, उसने कहाँ से पकड़ी थी? Middle से पकड़ी थी. So this is a false statement. So here we write false. Next, number fourth. People in the village are foolish. जो लोग थे विलेज के, गांव के, वो foolish थे, मूर्ख थे. नहीं, मूर्ख नहीं थे, इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट, नंबर फाइव, द टॉर्टोइज कैप्ट इट्स माउथ शट एंड रीच्ड द बिग लैक। जो टॉर्टोइज था उसने अपना माउथ बंद रखा था, एंड रीच्ड, और पहुंच गए थे टू द लैक,
वो लैक में पहुंच गए थे क्या? नहीं, उसने अपना माउथ खोल दिया था और वो मर गया था। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। सी, वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो हियर वी राइट ट्रू। नेक्स्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको इसके क्या देने हैं? आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प द टॉर्टोइज इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लैक। पॉन्ड से बिग लैक तक पहुंचने में टॉर्टोइज की किसने हेल्प किया था? बताओ किसने हेल्प किया था? क्रेन्स ने। किसने हेल्प किया था? क्रेन्स ने हेल्प किया था। सो हम इसका आंसर कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? Whom is किसने? Whom is कौन? Help means मदद किया। किसने मदद किया था? क्रेन्स ने। सो हम यहाँ इसका आंसर लिखते हैं। सो हियर द टू क्रेन्स, जो दो क्रेन्स थी, क्या थी? क्रेन्स थी। Help, मदद की थी द टॉर्टोइज। किसकी मदद की थी? टॉर्टोइज की। किसने की थी? टू जो क्रेन्स थी उसने टॉर्टोइज की मदद की थी। द टू क्रेन्स हेल्प द टॉर्टोइज। फिर आपको इसके आगे क्या लिखना है? द टॉर्टोइज इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लैक। सो आंसर मैं कम पूरा बोल रही हूं एक बार। द टू क्रेन्स, हम आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे। द टू क्रेन्स हेल्प द टॉर्टोइज इन taking him from the big, sorry, from the pond to the big lake. Okay? So, इसका आंसर है, आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई हैव नो आइडिया हु सेड दिस एंड वॉट वॉज द आइडिया। सॉरी, यहां जो है, यहां नो की जगह आपको क्या लिखना है? ए एन। क्या आएगा? आई हैव एन आइडिया, ए एन। ये एक मिसप्रिंट है, आपको यहाँ ए एन करना। ओके, सो आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। हु सेड, ये किसने कहा था? एंड वॉट वॉज द आइडिया, ये किसने कहा था और आइडिया क्या था? सो ये किसने कहा था? टॉर्टोइज ने कहा था। तो सेकेंड का आंसर मैं ऊपर लिख रही हूं, यहां से आप लोगों को देखना है। सो द टॉर्टोइज, द टॉर्टोइज सेड, टॉर्टोइज ने कहा। सो क्या कहा था टॉर्टोइज ने? कि ये आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। ये किसने कहा था? टॉर्टोइज ने। और आइडिया क्या था? द आइडिया, आइडिया क्या था? वॉज दैट, आइडिया क्या था? द द टू cranes would be hold the sticks with their beaks and tortoise hold the stick with his mouth. So इसका आंसर हो गया, द टॉर्टोइज का आइडिया था। क्या आइडिया था? कि जो दोनों क्रेन है वो स्टिक्स को अपने बीक से पकड़ेगी और मैं उस स्टिक को किससे पकड़ लूंगा? माउथ से पकड़ लूंगा और फिर हम लोग उड़ जाएंगे। सो ये उसका आइडिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई। जो पॉन्ड था वो ड्राई होना स्टार्ट कर गया था, सूखना स्टार्ट कर गया था। वाई मीन्स क्यों, क्यों सूखना स्टार्ट हो गया था? सो इसका आंसर हम लिखेंगे, सिंस देयर वॉज नो रेन द पॉन्ड started to dry।
वहां बारिश नहीं हुई थी, इसकी वजह से जो पॉन्ड था वो सूखना स्टार्ट हो गया था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द क्रेन्स एडवाइस द टॉर्टोइस व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लैग. जब वो बिग लैग पे ले जा रही थी तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया था टॉर्टोइस ने, टॉर्टोइस को क्या एडवाइस दिया था क्रेन ने. तो क्रेन ने एडवाइस दिया था कि आपको अपना माउथ जो है वो क्या रखना है, बंद रखना है. सो आंसर देंगे द क्रेन्स एडवाइस द टॉर्टोइस व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लैग टू शट हिज माउथ. अपना मुंह क्या रखा, बंद रखना. क्या रखना, बंद रखना. वेल फ्लाइंग, जब हम उड़ेंगे तब अपना मुंह क्या रखना है आपको, बंद रखना है. क्या रखना है, बंद रखना है. ओके तो एक बार मैं आपको वापस आंसर बोलती हूं. द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टोइस व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लैग टू शट हिज माउथ विल फ्लाइंग. ओके क्वेश्चन नंबर 5, शुड वी टॉक टू मच, क्या हमें बहुत ज्यादा बोलना चाहिए. इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट. क्या हमें बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, नहीं तो ये पूछा क्यों नहीं बोलना चाहिए. सो वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि. बिकॉज इट कुड बी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है. ओके नेक्स्ट एक्टिविटी 2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. ओके हमको मीनिंग से मैच करने हैं वर्ड्स को. सो फर्स्ट वर्ड है चैटर बॉक्स. क्या है, चैटर बॉक्स. सो चैटर बॉक्स क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, वन हु स्पीक टू मच. सो कहां मिल रहा है हमको ये चीज, फर्स्ट है अनवाइज. सो चैटर बॉक्स, वन हु स्पीक टू मच. सो अनवाइज, हैविंग नो विजडम नो, वाटर ड्रॉप्स नो, लैंड नो, थॉट नो, अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड नो, द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड नो, one who speak too much, one who talk too much, yes. So it match the chatterbox with one who talk too much. Second, starvation, bhookmari, bhook se mar jana. So here we read this, a state of without eating food. Third, idea, vichar, we say it, thought. Fourth, फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख. सो यहाँ कहाँ है आपको मूर्ख कहाँ मिला, ये देखो अनवाइज, जिसमें बुद्धि नहीं होती है, दैट कॉल. 5, बीक, बीक मीन्स चोंच. सो हियर अ लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड, एक बर्ड की लॉन्ग माउथ. 6, अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, लैंड या जमीन. 7, रेन, वाटर ड्रॉप्स, ये रहा देखो वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉप्स आती है उनको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं. 8 नंबर पे है स्टिक, अ लॉन्ग पीस, अ लॉन्ग थिन, लॉन्ग मीन्स लंबा, थिन मीन्स पतला, पीस मीन्स टुकड़ा ऑफ वुड, लकड़ी का पतला सा लंबा टुकड़ा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टिक. सो क्वेश्चन हम ये मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 में क्या है, लुक एट द सेंटेंस. सो हियर आवर दिस पार्ट इज कंप्लीटेड. सो व्हाट वी लर्न इन दिस पार्ट, वी लर्न, वी रीड आवर चैप्टर ऑफ टॉर्टोइज एंड क्रेन्स, वी लर्न, वी रीड द स्टोरी ऑफ टॉर्टोइज एंड अ क्रेन, एंड
वी लर्न दैट वी हैव टू नो, हमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अगर हम बोलते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है. सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.